हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मिस्टर स्मार्ट टेक्निकल। गूगल पे में एक नया अपडेट आया है जिसमें गूगल पे का इंटरफेस, नाम, लोगो सब कुछ चेंज हो रहा है। तो आप अपने फ़ोन में देख रहे हो तो उसमें अगर पहले वाला ही सिस्टम शो कर रहा है तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो नया अपडेट आया है जिसमें नया फीचर शो कर रहा है तो वो कैसे शो करेगा और क्या नाम रखा गया है गूगल पे का जो नया वाला अपडेट आया इसके अंदर। तो आप देख सकते हो हमारे फ़ोन में जो गूगल पे है उसमें बीटा वर्जन में ये है फिलहाल। तो अगर आपके फ़ोन में बीटा वर्जन में नहीं है तो आप बीटा वर्जन में कर सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो यू आर ए बीटा टेस्टर। तो यहाँ पे आपको मेरे को लीव का ऑप्शन दिखा रखा है तो आपको यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन दिखाएगा। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पर एक अपडेट आ जाएगा। अगर पहले से अपडेट आ रखा है तो उसे अपडेट कर लेना है। फिर भी नया वाला वर्जन शो नहीं करता है तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या करना है जिससे नया वाला वर्जन शो हो जाएगा। तो वीडियो पर बना रहना, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जरूर से देखना। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, गूगल पे के नए अपडेट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या अपडेट हुआ है, क्या चेंजमेंट हुआ है, फिर हम बात करेंगे अगर आपके फ़ोन में पुराने वाला इंटरफेस शो कर रहा है तो नया वाला इंटरफेस कैसे शो करेगा। तो इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो ऐसा कुछ लोगो आ गया है इसका। फिर यहाँ पे मेरे को पिन डालना है तो आपको स्क्रीन ब्लैक शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने पिन डाल रखे हैं, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। तो यहाँ पर पिन नंबर डाल देता हूँ जिससे ये ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होता है। तो आप देख रहे हो पहले वाले पुराने वर्जन की तरह इसमें इंटरफेस शो कर रहा है, बट मैं आपको बता दूं इसमें आप व्हाट्सअप की तरह ग्रुप भी बना सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या चेंजमेंट हुआ है। तो पहले तो किसी बंदे के साथ हमने ट्रांजेक्शन किया है या फिर कोई भी टिकट वगैरह शेयर की है तो उस पर क्लिक करके देख लेते हैं कि यहाँ पर कैसा इंटरफेस है। तो आप देख सकते हो इसमें भी इंटरफेस चेंज हो गया है। अब बैक करते हैं और नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद हम रिवार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और देख लेते हैं इसमें भी कुछ चेंजमेंट हुआ क्या। तो इस पर क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हो इसमें सारा इंटरफेस चेंज हो गया है। पहले यहाँ पे रिवार्ड किसी अलग तरह से ही दिखाई दे रहे थे और अब यहाँ पे आप देख सकते हो अलग तरह से ही है। तो इस पर एक पे क्लिक करके देख लेते हैं तो आप चेक कर सकते हो पूरा यहाँ पे चेंजमेंट हो गया है। ऑफर सेक्शन पर क्लिक करके देख लेते हैं इसमें क्या चेंजमेंट हुआ है। तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा इंटरफेस चेंज हो गया है। जो पहले वाला ऑप्शन था उसके अंदर आपको यहाँ पर स्लाइड करने का ऑप्शन था कि आप स्लाइड करते हैं तो दूसरा ऑफर आ जाता है, फिर से स्लाइड करते हैं तो तीसरा ऑफर आ जाता है। इस प्रकार ऑफर दिखाते थे और ऊपर ऑफर भी दिखाते थे कि कितने ऑफर आ रखे हैं, जैसे 1 से 12 या फिर 1 से 21 ऐसे कुछ ऑफर दिखाते थे। बट यहाँ पे अब स्वाइप अप का ऑप्शन है, स्वाइप डाउन का ऑप्शन है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे ऑफर देख सकते हो। जैसे पहला ऑप्शन है प्ले द गो इंडिया गेम, फिर यहाँ पे नीचे यूट्यूब का ऑप्शन है, फिर यहाँ पे 500 कैशबैक ये दिखा रखा है। तो ऐसे सारे ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। जो भी ऑफर यहाँ पे आ रखा है वो यहाँ से आप देख सकते हो। अब बात करते हैं तीसरे अपडेट के बारे में कि और क्या अपडेट हुआ इसके अंदर। तो इसमें नेक्स्ट अपडेट क्या हुआ है वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट इसमें ये हुआ है कि आप व्हाट्सअप की तरह ग्रुप चैट भी कर सकते हैं, इसमें ग्रुप भी बना सकते हैं, वो भी देखेंगे। बट आप वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि एंड में हम ये भी देखेंगे इसका नाम क्या रखा गया है। तो पहले इसका नाम गूगल पे था तो अब इसका नाम क्या रखा गया है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे ग्रुप बनाने के लिए आपको जाना है न्यू पेमेंट वाले ऑप्शन पे। तो जैसे आप न्यू पेमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऊपर आपको दिखा देगा न्यू ग्रुप का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जाके आप ग्रुप बना सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो न्यू ग्रुप पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जिन जिन को यहाँ पे ऐड करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं इसको एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे करते हैं दूसरे को, तो मैंने यहाँ पे 3 को यहाँ पे ऐड कर लिया है। और फिर करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद में ग्रुप का नाम भी यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो क्या नाम रखना है, व्हाट्सअप की तरह आप कोई भी नाम रख सकते हो। यहाँ पे रख लेते हैं गूगल पे ग्रुप। तो मैंने यहाँ पे ग्रुप का नाम रख लिया है और 3 बंदों को ऐड कर लिया है। और आप ग्रुप का नाम 30 कैरेक्टर के अंदर ही लिख सकते हो। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करना है तो ये ग्रुप बन जाएगा। तो आप देख सकते हो आपके सामने यहीं पे है जिसमें 3 बंदे ऐड है और गूगल पे ग्रुप के नाम से मैंने ग्रुप बनाया है वो ऐड हो गया है। तो इस पे से हेलो, यहाँ पे हेलो सेंड हो गया। तो हम यहाँ पे चैट कर सकते हैं जिस प्रकार व्हाट्सएप पे चैट करते हैं। तो आप देख सकते हो ऐसे कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे हमें प्रोफाइल पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। तो जैसे पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे तो जो बैंक अकाउंट हमने ऐड कर रखा है वो दिखा देगा। फिर यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन है और मेरे यहाँ पे गूगल पे में ऑप्शन आ रखा है ऐड कार्ड का। तो ये ऐड कार्ड का ऑप्शन पहले भी आ रखा था बट अब आप बिजनेस पे कर सकते हो ऐड कार्ड से, तो किसी भी बिजनेस पे। तो यहाँ पे आपको ऐड कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें आपको क्रेडिट और डेबिट कार्ड ऐड कर सकते हो। तो कुछ सिलेक्टेड बैंक है उनके ही ऐड कर सकते हो, अभी सारे बैंक के आप ऐड नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर अगर ऑप्शन आ रखा है तो चेक कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं लास्ट अपडेट का कि लास्ट अपडेट क्या है और गूगल पे का जो नाम है वो क्या रखा गया है। तो मैं आपको यहाँ पे बैक करके दिखा देता हूँ इसका लोगो ही। तो यहाँ पे एंड में देख सकते हो इसका लोगो तो ये है और गूगल पे का नाम है जी पे।
तो शॉर्ट में नाम कर दिया है जी पे, मतलब गूगल पे वही नाम है बट थोड़ा सा इसे शॉर्ट कर दिया है तो इसलिए जी पे यहाँ पे नाम रखा गया है। तो अब बात कर लेते हैं अगर आपके फ़ोन में गूगल पे के अंदर ये इंटरफेस नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है। तो आपको जाना है प्ले स्टोर के अंदर, तो यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको गूगल पे क्लिक करना है और आप देख सकते हो मेरा है यहाँ पे बीटा वर्जन है, तो आपको यहाँ पे बीटा वर्जन ज्वाइन कर लेना है। अगर आप बीटा वर्जन ज्वाइन नहीं करना चाहते हो या फिर फुल हो गया हो यहाँ पे तो आपको क्या करना है, तो आपको सिंपली से अगर अपडेट मांग रखा है तो अपडेट कर सकते हो, अपडेट नहीं मांग रहा है तो अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको सेम इंटरफेस मिल जाएगा जो मैंने यहाँ पर आपको लाइव बताया है। सो गाइज आज की वीडियो में यही था, मैंने सोचा गूगल पे का जो अपडेट आया वो आपके साथ शेयर किया जाए और आपको बता दिया जाए इसके अपडेट के बारे में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक करना और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, साथ में कमेंट करके ये जरूर बताना आपने आज तक गूगल पे के अंदर से आपने कितना कैशबैक अर्न किया है। तो मेरा आप देख सकते हो 6220 रुपये आपने कितना अर्न किया, कमेंट करके जरूर से बताना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नए नए ऑफर जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल के अबाउट मिल जाएगा। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको चैनल के अबाउट मिल जाएगा, वहां से फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।